हमारे अपने घर में, हमारे एहसास में, हमारे रुपये ने जो शायद संदेश उठाई है उसके लिए देखने वाला एक हम भी बहुत हो रहे हैं आपके हमने बहुत सी आदत गुजारी है आपको उजाला देने के लिए। हमने आपकी खुशियों के लिए अपनी मुस्कुराहटों का सौदा कर लिया है लेकिन आपको कहीं शर्मिंदा नहीं होने दिया। आपको जरूर मैं कार्रवाइयां करता रहता था लेकिन पिछले दिनों मुझे ये मशाले दिए जाते रहे कि अब बहुत कुछ बदल गया है, कार्रवाइयां न की जाए लेकिन कार्रवाइयां जरूरी है। अगर राष्ट्र शरीर में हो जाएगा तो उसे निकालना जरूरी होगा। मन चाहेगा कि आप अपनी मौत का इंतजाम करो कि आपने शरीर में लगे थे नशों को प्राप्त बना है। आपकी जीत को हार में बदला गया है लेकिन आपको मुबारक जो भी है उन लोगों को जिन्होंने आप माना है औरतों को माना है हाथ जोड़ दिए है। पहली बार ऐसा हुआ कि यहां औरतें बैठी हैं और बड़ी तादाद में बैठी है, थाने में जाई गई है, बंद की गई। एक मखसूस तहजीब का जिला है इस जिले की तहजीब को पामाल कर दिया गया। इस जिले की तहजीब को पुलिस के बूटों के जले मसा गया है, पूरी तरह से धोखा दिया है यहाँ के अधिकारियों ने। हमसे ये वादा किया कि बहुत रमन चुनाव कौन आपकी जबान पर करिए आखिर कहा कि डाले भरोसे के रिश्ते खत्म हो गए। इस छूटे हुए भरोसे में हम लोकतंत्र की कितने हिस्सेदार रहेगी तो हमें भी तय करना है। अगर हमारे वोट की ये ना कदरी है और इतना हम शरीर किए जाएंगे तो हमें भी ये सोचने का हक है कि क्या हम अपने वोट का इस्तेमाल करें या ना करें। और ये भी हक है हमें कि हमारे नहीं तो कहीं इस बात का मुताबा नहीं करें कि अगर मुसलमानों से इतनी ही घृणा है तो उन्हें वोट के अधिकार से वंचित कर दिया जाए। अगर हमारा वोट ही शिकायत और तकलीफ का बायस है और यह समझा जाता है कि हमारी वजह से कोई व्यवस्था बदल सकती है और उसको रोकने के लिए हमारे पर सितम के पहाड़ मेरे पर नहीं उन गरीब कमजोर लोगों पर सितम के पहाड़ तोड़ जाते हैं तो एक बार इसका रिवॉर्ड किया जाना चाहिए। हम इस व्यवस्था के हिस्सेदार रखे जाए या एक साफ फैसला होगा लेकिन हमें इसके बारे में सोचना जरूर होगा कि हम अगर उसके हिस्सेदार रहेंगे तो उसके लिए क्या यकीन दहानी होगी और अगर वो यकीन दहानी नहीं होती है और ये जुर्म बर्बादियत पूरे मुल्क में जारी रहता है तो फिर आखिर हम कब तक इसे बर्दाश्त कर पाए। हमें नंबर दो का शहीद बना दिया गया, हमने मान दिया। यही तो चाहते थे कि हम अपने आप को नंबर दो का शहरी मानते सम्मान दिया। हम तो अपने आंसू भी नहीं निकलते थे चश्मा लगाकर उसे पहुंच देते अपना दर्द भी बयान नहीं करते कि कहीं दीवारें न सुन रही हो और उसकी शिकायत न करती जाए। कहीं हमारा दाया बाजू बाएं बाजू से शिकायत न करते कहीं हमारा यही शरीर हमारे साथ कुछ लगा करते। इस कदर हम टूट गए हैं अपने अंदर लेकिन टूटा हुआ शरीर भी लोकतंत्र की हिफाजत के लिए तक खड़ा रहा है। अगर इसे खड़ा रखना है तो मुल्क के सभी लोगों को ये सबसे बड़ी हकीकत के बारे में जो हिंदुस्तान की दूसरी आबादी है इसके बारे में सोचना चाहिए कि वो लोकतंत्र के हिस्सेदार बने या आप सबका एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया।